911 बोलिए, क्या इमरजेंसी है? मैं एक हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में काम कर रहा था जिसका सिर्फ रिसर्च लैब और मुर्दा घर ही ऑपरेशनल था। बारिश हो रही थी, मैंने इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं इतनी देर तक पता नहीं कैसे बैठा रहा। थॉमस, मुझे सब मालूम है। मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे फोन में ना तो इंटरनेट है और ना ही नेटवर्क, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वाईफाई भी नहीं चल रहा था। अजीब बात है, मुझे लगा नेटवर्क तेज बारिश की वजह से नहीं है। शायद मुझे रिसेप्शनिस्ट को कैब बुक करने के लिए कहना चाहिए। मैंने रिसेप्शन डेस्क पर फोन किया, कोई जवाब नहीं। सब चले गए क्या? क्या सिर्फ मैं ही हूं यहां? रिसेप्शन, सिक्योरिटी! झूठ नहीं कहूंगा, बहुत ही भयानक एहसास था। मैं रिसर्च लैब 02 पर रुका ये देखने के लिए कि शायद मेरा कोई कलीग हो वहां। वो खाली था, रिसेप्शन पर कोई नहीं था। मैंने फोन उठाया और हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में फोन लगाया, वो फोन भी बंद आ रहा था। बड़ी अजीब बात है। मैंने फैसला किया कि मैं नीचे जाता हूं और रोड से कोई टैक्सी कर लेता हूं। बारिश में भीगना अब मायने नहीं रखता था, इस हॉस्पिटल में अकेले रात बिताने से तो अच्छा ही था। अरे दुनिया की सबसे स्लो लिफ्ट है ये। अचानक मुझे लगा कि जैसे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में कोई खड़ा है। जहां मुर्दा घर हुआ करता था उस जगह पर लाइट्स मध्यम थी, तो मैं समझ नहीं सका कि वहां वाकई कोई है या सिर्फ। अफवाहें बहुत सुनी थी कि इस बिल्डिंग में भूत है, पर हम में से किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। इस हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए, पर ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। मैं कांप रहा था, मेरा सिर चकराने लगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये क्या? हे भगवान, इन्हें ये बिल्डिंग बंद कर देनी चाहिए। मैं मेन डोर की तरफ चलता रहा। पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझसे दूर जा रहे हैं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आखिर हो क्या रहा था। मैं घबरा गया। मैं रुका और मैंने दीवारों को देखा। मुझे लगा जैसे मैंने वहां कुछ हिलते हुए देखा। मेरी सांसें जैसी रुक सी गई। दीवार पर लगी पेंटिंग अपने आप उखड़ने लगी और उसके अंदर के कैरेक्टर्स खुद ब खुद चलने लगे। मैं भागकर दरवाजे तक पहुंचा। मैंने आंखें खोली, लाइट्स आ चुकी थी और सबसे अजीब बात कि वहां पानी भी नहीं था। मैं कॉरिडोर देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां एकदम शांति थी, बस बार बार लाइट्स के जलने बंद होने की आवाजें आ रही थी। बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने चैन की सांस ली, पर फिर जैसे ही मैं मुड़ा। तुम्हें मैं याद नहीं थॉमस। उस लड़की का पेट बाहर निकला हुआ था, जैसे कि वो मां बनने वाली। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम हमें अपना लो। मेरे पास मत आना। देखो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास मत आना। हमें अपना लो थॉमस। जैसे ही वो मेरी तरफ पड़ने लगी मैंने एक कदम पीछे लिया, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे सीढ़ियां हैं। हमसे दूर भागने की हिम्मत भी मत करना।
मैं हिम्मत करके उठा और मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। मैं नीचे और नीचे उतरता रहा पर सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था या सच में ऐसा हो रहा था। कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? तुमने मुझे इस दुनिया में आने नहीं दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? रुको रुको, नहीं 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 नहीं। वो कूद गई, वो छोटी बच्ची कूद गई। मैं खिड़की की तरफ भागा और मैंने नीचे देखा, मेरा सिर घूम गया। जमीन जमीन बहुत दूर थी और लग रहा था कि जैसे जैसे मैं 13वें फ्लोर पर हूं, पर बिल्डिंग में तो सिर्फ 12 फ्लोर थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, अभी भी नेटवर्क नहीं दिख रहा था। फक! तभी मैंने फिर से वो आवाज सुनी। थॉमस, मुझे सब मालूम है। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। ये क्या? मैं फिर से उसी फ्लोर पर पहुंच गया जहां पहले था। लाइट्स तब भी फ्लिकर कर रही थी और रिसेप्शन के फोन की घंटी बज रही थी। एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, मैं उसकी तरफ भागा। हेलो हेलो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हेलो थॉमस, थॉमस मैं हूँ, अनीता। मैंने फिर से चेक किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बोलने ही वाला था कि अचानक मुझे मेरी आवाज सुनाई थी, जैसे कि मेरा ही एक रूप फोन लाइन पर था। अनीता, तुम्हें पता है क्या करना है? हमें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। नहीं थॉमस, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। ये हमारा बच्चा है थॉमस। पर अनीता, I'm sorry, ये हमारे प्यार की निशानी है। और थॉमस, मैं रेबेका को भी बताने वाली हूँ। अनीता नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, वो मेरी बीवी है। थॉमस, उसे जानने का हक है, वो मेरी बहन है, मैं उससे ये बात नहीं छुपा सकती। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बैठ के बात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे बताना है, ठीक है? देखो, मुझे मिलने से पहले उसे कुछ मत बताना। ठीक है थॉमस, आई लव यू, बाय। मैं खड़ा खड़ा फोन पर मेरे और मेरी साली के बीच हुई बातचीत सुन रहा था तो सारी यादें ताजा होने लगी। मुझे याद आया कि 2 दिन पहले अनीता से फोन पर बात होने के बाद मैं पूरा प्लान तैयार करके उससे मिलने गया। मिलने आने के लिए थैंक यू। जानते हो मुझे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ की कितनी जरूरत है? ये फोटो किसकी है? ओह, ये फोटो नहीं है, ये तो मेरी कल्पना है, मैंने बनाई है कि हमारी बेटी होगी तो कैसी दिखेगी। और देखो कैसी दिख रही है। थॉमस, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, वो जमीन पर गिर गई। फिर मैंने उसे एक ऐसा ड्रग दिया जिससे दिल की धड़कन उसी वक्त रुक जाती है। इंसान के मरने के 24 घंटे बाद बॉडी में उसका कोई तत्व नहीं पाया जाता। मेरा प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा था। फिर मैंने उसे बाथ टब में डालकर उसे पानी से भर दिया, मैंने उसे डुबा दिया। जब पुलिस वाले आएंगे तो उन्हें लगेगा कि इसे नहाते वक्त हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर होने के फायदे, देखा? मैंने रिसीवर नीचे रख दिया। मैंने अनीता को मारा। अब कैसा महसूस हो रहा है थॉमस? अनीता, मैं तुम्हें सब थॉमस। मैंने फोन निकाला, मैं रेबेका को सब कुछ बताना चाहता था, अब सिर्फ वही मुझे बचा सकती थी, पर ये फोन अब भी काम नहीं कर रहा था। अरे यार, सामने वो थी, मेरी तरफ रेंगते हुए आ रही थी। प्लीज अनीता, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जानती हो ना? पर उसने नहीं सुना और मेरी तरफ बढ़ती है। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर कुछ ऐसा हुआ
जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने मुर्दा घर के कैबिनेट के खुलने की आवाज सुनी। मैंने आंखें खोली, अनीता वहां नहीं थी। मैंने अपनी दाई तरफ के कैबिनेट की तरफ देखा। मैं देखता ही रहा, क्योंकि उसके अंदर जो डेड बॉडी थी वो मेरी थी। मेरे सिर के बीचों बीच गोली का निशान था। ये क्या? और तभी मुझे याद आया, मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा खून हो चुका था। कल मेरी बीवी ने मुझे गोली मारी थी। तो फिर मैं इतनी देर से यहां बस। मुझे याद है कल जब मैं नहाकर बाहर आया, मेरी बीवी रेबेका लिविंग रूम में खड़ी थी, डार्क रेड सैटिन गाउन पहने हुए। हे हनी, यू लुक गॉर्जियस। कहीं जा रही हो? थॉमस, मुझे सब मालूम है। क्या, किस बारे में बात कर रही हो? उसने अपना बायां हाथ उठाया मुझे मेरा फोन दिखाने के लिए, फिर उसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई। हेलो, मेरे और अनीता के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। अनीता ने रिकॉर्ड की थी, मुझे पता ही नहीं चला। अनीता, तुम्हें पता है क्या करना है? हमें इस बच्चे को अपॉर्ट करना होगा। तुमने एक जिंदगी नहीं बल्कि तीन जिंदगियां बर्बाद की है, इसलिए अब मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी। बेबी बेबी, पर मेरी पर देर हो चुकी थी। उसने गोली चला दी। 911 बोलिए, क्या इमरजेंसी है? मेरे पति ने मेरी बहन को मार डाला और फिर खुद को गोली मार ली। हमारी किस्मत में एक होना लिखा था हमेशा के लिए थॉमस। मुझे मेरे किए का फल मिल गया। नहीं!